morning students. Today I am going to start chapter number 4. The name of the chapter is Rajput Age. Okay, so let's begin. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. कि यहाँ पे परिमल नाम का जो एक बच्चा था वो एक हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था टीवी पे, ठीक है, और उसमें वो क्या देखता है, एक पैलेस, एक महल, ठीक है. हिस्टोरिकल मीन्स दैट रियली लिव्ड और हैपेंड और कनेक्टेड विद द रियल पीपल और इवेंट्स इन द पास्ट. अ थॉट अरोज इन हिज माइंड, एक उसके माइंड में एक थॉट क्रिएट हुआ. आर सच पैलेसेस स्टिल इन एक्सिस्टेंस, कि क्या ये जो सारे पैलेसेस हैं, जो सारे महल हैं, क्या वो अभी भी प्रेजेंटली मौजूद हैं. हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेसेस, कि ये जो सारे पैलेसेस हैं उसको किसने बनाया है. बींग क्यूरियस ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर टू गेट द आंसर्स टू हीज एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस, कि यही सब जानने के लिए उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये सब किसने बनाए हैं सारे पैलेसेस. तो वो अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी के पास में जाता है, कौन, परिमल, ठीक है, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जाके अपने दादाजी को पूछता है, ठीक है, और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस उस पैलेसेस से. हीज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स लाइक वॉट इज़ डिस्कस्ड बिलो, कि अब जो उसके ग्रैंडफादर हैं, जो उसके दादाजी हैं परिमल के, वो उसको कुछ बताते हैं रिलेटेड विद दी पैलेसेस के रिगार्डिंग, ठीक है, और जो नीचे डिस्कस किया गया है. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ. सच पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स इन एशियन टाइम्स, कि ये जो सारे पैलेसेस हैं कुछ वो एशियन टाइम के जो किंग्स हैं उन्होंने बनाए हैं. वी come across many such palaces, some of which are in ruins while the others are in good condition, कि जो कुछ हमने palaces देखे हैं उसमें से जो कुछ हैं वो बहुत ज़्यादा damage हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, और जो कुछ हैं वो अभी भी बहुत अच्छी condition में मौजूद हैं. There is a difference between the construction of structures in the present times, कि अभी जो भी construction हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, structure मतलब क्या होता है, जो बनावटें होती है, और बिल्डिंग, और वी कैन से दैट समथिंग हैज़ बीन बिल्ट और मेड अप फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, वो होते हैं स्ट्रक्चर्स. इन प्रेजेंट टाइम्स एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन द अर्लियर एजेस, कि अभी के जो स्ट्रक्चर्स हैं कंस्ट्रक्शन के वो थोड़े से डिफरेंट हैं प्रेजेंटली, और जो पास्ट के जो कंस्ट्रक्शंस थे उसमें डिफरेंस है, ठीक है, मतलब जो पहले की चीज़ें थी, बनावटें थी, उसमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है. जो प्रेजेंटली अभी हम बनाते हैं उनकी वो जो बिल्डिंग्स होती है उसमें अभी थोड़ा सा पहले और अभी की बिल्डिंग्स में थोड़ा डिफरेंस है. ओके, देन मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज कैन बी सीन इवन टूडे, कि मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, स्टैचूज, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो रखते हों. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट ताजमहल, ओके, कि जो मॉन्यूमेंट्स पुराने ज़माने में राजपूत एज में जो बनाए गए थे वो अभी भी हमको देखने को मिलते हैं. टू नो अबाउट द एरा लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम, कि अब यहाँ पे बात हो रही है एक एरा की, कि उस टाइम पे राजपूत एरा के अंदर कौन सी जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी इंडियन, ठीक है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, सो हमने अभी आगे डिस्कस किया कि अब हम इस चैप्टर के अंदर जो मेन डायनेस्टीज थी इंडिया की वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो डायनेस्टीज मतलब क्या होता है, डायनेस्टीज मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एक वंश चला आ रहा है उसको मतलब एक ही पीढ़ी से एक ही वंश के लोग, ठीक है. ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे कि उस टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज थी. कौन कौन सी डायनेस्टी थी वो, तो मैनी डायनेस्टीज केम इनटू द एक्सिस्टेंस. द मेन डायनेस्टी इज़ रूलिंग इन द नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया पे वो जो डायनेस्टी जो रूल कर रही थी वो कौन कौन से थी, गुज्जर, प्रतिहरा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टीज, ठीक है. ये जो सारी डायनेस्टीज थी ये नॉर्थ इंडिया में रूल करती थी. ओके, और जो अमंग दोज इन साउथ इंडिया वर द पल्लवा, राष्ट्रकूटरा, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पंड्या और चोला डायनेस्टीज ने वहाँ पे रूल किया था.